कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने जताया शोक, दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में भरतना विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक सावित्री कठेरिया के पति उदय नारायण सिंह की कोरोना से मृत्यु हो जाने के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने आज उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत भरतना विधायक सावित्री कठेरिया के आवास पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार के इंतजाम पर कहा कि हमने इस बीच में कई जनपदों का दौरा किया है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो सर्वाधिक 5 करोड़ जांचें उत्तर प्रदेश में की गई है, जीवन रक्षक दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाएगी, सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। वहीं टीकाकरण में लोगों में फैले भ्रम पर उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल है जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता को पहले भ्रमित किया वो भी अब टीका लगवा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता हर जनपद में है, अगर इसमें किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ढिलाई पाई जाती है तो सीएम के स्पष्ट निर्देश है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, 18 से 44 और 45 के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के मामले में कहा कि बीजेपी एक विचारधारा है और प्रत्येक राजनीतिक दल के जिन लोगों को उसमें घुटन महसूस होती है वो इस विचारधारा में सम्मिलित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देती है। जितिन प्रसाद भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका बहुत सम्मान करता हूं और आगे भी उनको भाजपा में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैंने अभी इस बीच में कई जनपद का दौरा किया है और उसमें थर्ड वेव की पूरी तैयारी हो गई है। जहाँ पर हमारे कोविड के हॉस्पिटल बनवाए गए हैं वहाँ पर उनके पेशेंट के जाने का रास्ता अलग किया गया है और उनके आने का रास्ता, अटेंडेंट की व्यवस्था अलग की गई है, डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और सेपरेट कमरे में बेड डाल के पेशेंट के लिए व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन प्लांट लगवा के ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता कराई गई है। और इस महामारी से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से, उनकी परिश्रम से, उनके जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके सभी लोगों ने अनुपालन करके, ऐसे समझिए 5 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई और जो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ये टेस्टिंग की रिपोर्ट है। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थीं उनको उपलब्धता के लिए पूरी सुनिश्चितता की गई है और जीवन रक्षक दवाइयों पर कंट्रोल करके किसी को ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए, पेशेंट को उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाएगी और संबंधित अधिकारियों और कोविड हॉस्पिटलों को जिनको निश्चित किया गया है उनके प्रबंधन में किसी प्रकार के समस्त DM और उनको निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। और आगे थर्ड वेव की आज ही स्थिति में है कि पूर्ण तैयारी कर ली गई है, उससे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लगातार जो सरकार है वो टीकाकरण को लेकर गंभीर है, हालांकि जन जागरूकता अभियान भी सरकार चला रही है लेकिन उतना असर होता नहीं दिखाई देते हैं। जो जन जागरूकता की बात करें, कई लोग ऐसे हैं जो नवयुवक से लेकर कई गाँव से तस्वीर निकल के आए, टीका को लेकर भयभीत हैं। बताना चाहता हूँ, विपक्षी राजनीतिक दल सिर्फ पब्लिक को भ्रमित करने का काम करते हैं। अब तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि जो भ्रमित करने का काम करते हैं वो भी लगवा रहे हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा ली है और ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। करीब पूरे प्रदेश में अधिक मात्रा में जो बूथ स्थापित किए गए हैं वैक्सीनेशन लगाने के और वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने के, उनमें किसी भी बड़ी सतर्कता से किया जा रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसा बूथ लगा के उनको वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और वैक्सीनेशन की उपलब्धता मैं समझता हूँ कि किसी जनपद में नहीं है। और अगर इसमें किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही बरती जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वैक्सीनेशन से कोई वंचित नहीं रहेगा और 18 से 44 और 45 से ऊपर सभी अलग अलग बूथों को स्थापित करके उन पर वैक्सीनेशन का काम किया। सर आखिरी सवाल थोड़ा सा राजनीति को लेकर है,
कि उत्तर प्रदेश में अब आगामी समय में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए, क्या लगता है पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी, जो एक वर्ग विशेष है वो पार्टी के साथ खड़ा होता दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और प्रत्येक राजनीतिक दल के जिन लोगों को उस राजनीतिक दल में घुटन महसूस होती है वो इस विचारधारा में सम्मिलित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देती है, क्योंकि इस विचारधारा से जुड़ने वालों का सभी का सम्मान करते हैं। जितिन प्रसाद भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सम्मिलित किया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है और आगे उनको सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उस आधार पर सबको काम करना पड़ता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।